morning everyone. Before starting this video, please subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. And please don't forget to click on the bell icon for regular updates. तो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, वहां पर आपको क्या था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन था और आपको एपी की एक सीरीज फॉर्म करनी थी, ठीक है। बट आपको यहाँ अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या है, पहले से ही सीरीज गिवन है और आपको कह रखा है कि ये जो सीरीज है वो आर इन एपी, ये एपी में आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म इसमें फाइंड करनी है, दैट इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी की वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब अलग अलग टाइप के, मतलब एक तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट, सभी की टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके पास लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दे रखा है आपको, सीरीज -5, -1, -3 और -7, ठीक है। ये आपको एक सीरीज फॉर्म करके दे रखी है। अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होता क्या है, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब आपको निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे इजी मेथड है कि आप सेकंड टर्म में से क्या करो, सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दो, यानी सेकंड टर्म माइनस या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारी क्या है, दैट इज -1 है और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -5 को। तो पहले से यहाँ एक माइनस साइन तो इसका आएगा और इसमें भी माइनस साइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 तो एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। और बड़ी संख्या पॉजिटिव है इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज -5 और स्मॉल d की वैल्यू हो गई 4। यहाँ मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया है, आप चाहो तो थर्ड में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं, तो भी आपका d क्या होगा, सेम रहेगा। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिया कॉमन डिफरेंस, अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं, जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड में से फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, थर्ड टर्म ले लूंगी, थर्ड टर्म माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम सेकंड टर्म को। चेक कर लेते हैं कि ये भी 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर 4 आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, एपी में आपको जो दे रखा है वो सही दे रखा है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या हमारी, दैट इज 3 है, माइनस करना है किसको, -1 को, तो ये एक और ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा। अब ये 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 1 और 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 ही आ रही है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी में है और स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो गई, -5 और कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, दैट इज -4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म निकालनी, पहले तो सीरीज लिख लेते हैं, दैट इज 3, -2, -7 और -12। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए भी कहते हैं, और ये मैंने बताया दैट इज फर्स्ट टर्म, पहला नंबर जो हमारे पास लिखा है वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पहला नंबर क्या है, 3 है, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 3। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है जिसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, तो हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किसको, फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड टर्म हमारी क्या है, -2 है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आंसर किसमें आएगा, -5 हो गया। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -5। अब जरूरी नहीं है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, मैं लास्ट वाले में भी नंबर्स भी ले सकती हूँ, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो ये कौन सा टर्म हो गया, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो स्मॉल डी अगर मैं निकालू तो फोर्थ टर्म माइनस कर लेंगे इसमें से थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज -12 है और माइनस करना है किसको, -7 को। तो ये कितना आ जाएगा, -12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
बट बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप कोई से भी दो टर्म्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया, दैट इज 3, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, सीरीज क्या है आपकी, 1/5, 3/5, 5/5 एंड 7/5, ये आपको सीरीज दे रखी है। अब आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल a, और ये किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। अब अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो मैंने आपको बोला था कि आप कोई से भी दो टर्म्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालू, तो अब मैं ले रही हूं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो मैंने क्या करा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे क्या है, 5/5 है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 को। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। फ्रैक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी कि 5-3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/5। अब आप यहाँ सेकंड में से मैंने थर्ड में से सेकंड को माइनस किया है, आप यहाँ सेकंड में से फर्स्ट को करो, चाहे फोर्थ में से थर्ड को करो, आपका जो डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस है, दैट विल बी सेम, वो सेम रहेगा, और वो कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, डेसिमल में दे रखी है पूरी सीरीज, ठीक है। इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या है हमारे पास, 0.3, 0.55, 0.80 एंड 1.05। अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0.3 के बराबर। जो पहला नंबर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल डी। अगर आप इसको चेक करो, अब मैं चाहे मैं सेकंड में से फर्स्ट को करूं, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड करूं, डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एक बार चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं। सेकेंड टर्म हमारी क्या है, दैट इज 0.55, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.3 को। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के पहले आपको इसको, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बता देती हूं। अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने, 2 है, और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लाइक में, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो आपको 0.55 दे रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 0.0। तो यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.25 आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा, जब मैंने सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब अगर मैं सपोज दोबारा चेक करना चाहूं, मैंने सोचा कि अगर मैं फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्मॉल डी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, स्मॉल डी बराबर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म में से क्या करेंगे, थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर टर्म क्या है, 1.05 है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.80 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25। तो स्मॉल डी की वैल्यू चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को करो, चाहे फोर्थ में से थर्ड को करो, चाहे थर्ड में से सेकंड को करो, डी की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी सेम, दैट इज 0.25। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 0.3, और डी की वैल्यू आ गई 0.25। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या दे रखा है आपको, सीरीज क्या दे रखी है, 5 में माइनस 1.1,
-3.1 -5.1 एंड -7.1। अब इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल a, और वो क्या हो जाएगा, जो पहला नंबर है यानी कि माइनस का 1.1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो इसको हम लिखते किससे, स्मॉल d से लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म क्या हमारी, दैट इज माइनस का 3.1 है, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, माइनस 1.1 को। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस का 3.1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1.1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है यानी कि 3.1 में से 1.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.0। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज माइनस का 2, और स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज माइनस 1.1। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए आप जरूरी नहीं है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, आप कोई से भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो डी की वैल्यू विल बी सेम रहेगी। थैंक यू।